दिवाली की शुभकामनाओं के साथ स्वागत है आपका मौमसी किचन में। तो चलिए दिवाली पर हम बनाते हैं घर पर बेहद ही स्वादिष्ट मिठाई नारियल की बर्फी। बहुत ही परफेक्ट तरीके से इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है तो उसके लिए ये वीडियो ज़रूर देखें। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 3 कप नारियल का पूरा, 1 कप दूध और 1 कप चीनी। मेजरमेंट के लिए मैंने 1 कप लिया है, तो आप भी जिससे माप करें वो एक ही बर्तन होना चाहिए, उसके अनुसार ही आप चीज़ों को लें। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा बादाम और पिस्ता, 4 छोटी इलायची, 4 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर घी लिया है और साथ में लिया है मिल्क पाउडर 1 कप। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और बाउल में हमने डालना है 3 चम्मच घी को। घी को आप मेल्ट करके रख लें। 1 चम्मच घी हम बाद में यूज़ करेंगे, तो पहले हम 3 चम्मच इसमें डाल देंगे। साथ में डालेंगे 1 कप इसमें मिल्क पाउडर और उसे अच्छी तरह से इसमें हम मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके दूध। दूध भी हमने 1 कप लिया था, तो अभी मैं आधा दूध डाल रही हूँ जिससे कि ये लम्स फ्री हो जाए। ज़्यादा दूध डालने से इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, तो इससे पहले आप इसे मिला लें और उसके बाद आप इसमें और सारा दूध डालकर इसे अच्छी तरह से इसका घोल तैयार कर लें। अब तो हमारी तीनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिल चुकी हैं और ये हमारा घोल तैयार हो गया है। अब हम इसे किनारे रख देंगे और चलेंगे हम दूसरे प्रोसेस की ओर, यानी कढ़ाई चढ़ाएंगे और बर्फ़ी को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए इसमें कोई भी गुठली नहीं है, बहुत ही परफेक्ट घोल तैयार हुआ है। तो अब मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में अब हम बचा हुआ जो 1 चम्मच देसी घी था उसे डाल देंगे और उसे हम हल्का सा गर्म करेंगे। जैसे ही वो गर्म हो जाएगा अब हम इसमें इसी घोल को डालकर उसे अच्छी तरह से इसमें हम गाढ़ा करेंगे। तो मैंने ये घोल डाल दिया है। इसे डालने के बाद अब आप इसे लगातार चलाते जाइए, धीरे धीरे इसमें सारी चीज़ें मिलती जाएंगी और ये धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा। जब इसमें बॉयल आएगा उसके बाद हम फ्लेम को थोड़ा सा लो करेंगे और इसे करने के लिए छोड़ देंगे। तो आपको यहाँ पर मावा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे ही देखिएगा कितना अच्छा मावा बनकर तैयार होगा और बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तब देखिए इसमें उबाल आ गया है, तो अब हम इसे और अच्छी तरह से फेंटते जाएंगे। लगातार चलाते रहिएगा, नहीं तो ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा और बिल्कुल थोड़ी थोड़ी जैसे जले की खुशबू आ जाती है उस तरीके का आ जाएगा, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो आप इसे लगातार चलाते रहिए। अब हम इसमें डाल देंगे इलायची का पाउडर। जो हमने 4 इलायची ली थी उसे आप कूट कर दरदरा सा उसे तैयार कर लें और इसमें मिला दें। कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं 5 मिनट हो गए हैं और ये कितनी थिक हो गई है। जब इस तरह से ये थिक हो जाएगी तो अब हम इसे 1 मिनट तक और चलाते जाएंगे जिससे कि ये थोड़ा सा और थिक हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नारियल का बूरा। तो नारियल का बूरा यहाँ पर मैंने 3 कप लिया था, 1 कप ली थी मैंने यहाँ पर शक्कर और 1 कप ही मिल्क पाउडर और 1 कप मिल्क। तो ये मेज़रमेंट आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ ही जब आप बनाएंगे तो आपकी ये बहुत ही परफेक्ट बनेगी। धीरे धीरे ये देखिए दूध इसमें एब्जॉर्ब हो गया है और ये बहुत ज़्यादा अब ड्राई होने लगा है। जब इस कंडीशन में आ जाएगा तब हम इसमें डालेंगे चीनी, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ चीनी ही नहीं डाली थी, बाकी सब सामान हम डाल चुके हैं। तो चीनी भी आप पीस कर रख लें और उसी को डालें। बहुत मीठा पसंद करते हैं तो पूरा 1 कप डाल दीजिए, अगर हल्का मीठा खाना चाहते हैं तो चीनी को आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। चीनी मिलाने के बाद थोड़ा सा पानी आपको इसमें नज़र आएगा, यानी चीनी जब ढीली होगी तो वो अपना पानी छोड़ेगी, तो जिससे ये थोड़ा सा ढीला हो जाएगा। लेकिन आप इसे फिर 2 से 3 मिनट तक आप इसे मिलाते रहिए। धीरे धीरे आप इसे चेक कीजिए इस तरह स्पैचुला से, अगर ये जुड़ रहा है तो इसका मतलब अभी आपकी बर्फ़ी बहुत अच्छी तरह जमकर तैयार होगी। तो अभी इस स्टेज पर हम इसे उतार लेंगे और एक थाली लेंगे जिसके ऊपर हम लगाएंगे घी, जिससे कि बर्फ़ी को बाद में हम जब भी निकालें तो आसानी से ये निकल आए। तो घी मैंने ग्रीस कर दिया है। अब इसमें हम ये मटेरियल डालकर इसे अच्छी तरह से इसमें हम सेट कर देंगे, यानी ऊपर से एकदम प्लेन और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसे हम सेट करेंगे। इस तरह से सेट करने के बाद अब हम इस पर थोड़ा सा बादाम और पिस्ता डाल देंगे। आप चाहे तो मेवे अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। मेलन सीड भी अगर आप इसमें डालेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब मेवों को हम इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेस करेंगे जिससे कि यह उखड़े ना और इसमें अच्छी तरह से दब जाए। तो अच्छी तरह से इसे दबाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, तो बर्फ़ी हमारी सेट हो जाएगी। तो अब ये देखिए अभी ये बहुत सेट लग रही है, लेकिन हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। 1 घंटे के बाद देखिए ये बर्फ़ी बहुत अच्छी तरह सेट हो चुकी है। अब हम इसे पीसेज में काट लेंगे।
तो जब आप इसे काटेंगे तो आप देखेंगे कितने ही आराम से इसके पीस तैयार हो रहे हैं। तो आप भी इस तरह से बनाएंगे तो आपकी बर्फ़ी बहुत ही परफेक्ट बनेगी और बिल्कुल मार्केट जैसा आपको टेस्ट आएगा। एक पीस मैं आपको यहाँ पर उठाकर भी दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी तरह से ये निकल भी आया है और कितना परफेक्ट तरीके से तैयार हुआ है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ये सबको बहुत ही पसंद आती है। मावे का भी पूरा टेस्ट आएगा और नारियल का भी, और बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी, एक नई ट्रिक के साथ। हैप्पी कुकिंग।